अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पीएफ चैंग स्टाइल कॉपी कैट डायनामाइट श्रिम्प की रेसिपी। अगर आपने कभी पीएफ चैंग्स में ये ट्राई की हुई है तो आपको पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ की तो ये मोस्ट लव्ड डिश है और मेरी भी बहुत ही फेवरेट है। अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो आप ये बना के देखिए, आपको ज़रूर ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर आप सी फूड लवर नहीं हैं, आपको श्रिम्प या प्रॉन्स पसंद नहीं है, तो आप इस रेसिपी को चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बहुत ही यमी बनती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था श्रिम्प। सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। श्रिम्प और प्रॉन्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये छोटे होते हैं ऑरेंजिश और वो ग्रे और बड़े होते हैं। ये थोड़ा सा स्वीट टेस्ट में होते हैं और वो नॉर्मल से टेस्ट होते हैं। तो ये मेरे मुझे यहाँ पे फ्रोज़न मिल गए थे, तो मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। ऑलरेडी वो क्लीन थे तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इंग्रेडिएंट्स में हमने यहाँ पे लिया है मैदा, कॉर्नफ्लावर, अंडा एक फिटा हुआ, फिश सॉस, सोया सॉस, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट और ब्लैक पेपर पाउडर। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है ऑयल फॉर कुकिंग। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे श्रिम्प्स किस तरीके से क्लीन थे। इनको मैंने बस वॉश कर लिया है अच्छे से और सारा एक्सेस वाटर इसका ड्रेन कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फिश सॉस, सोया सॉस और फिटा हुआ अंडा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक फोर्क या चम्मच की मदद से। कोई ज़रूरत नहीं है आपको हाथ से इसको मिक्स करने की, जैसे हम यूजुअली चिकन मटन वगैरह मिक्स करते हैं, उस तरीके से करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतने में ही इसका काम चल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो आप रखिए इसको 30 मिनट्स के लिए, अगर नहीं है तो आप इंस्टेंट भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक प्लेट में मैंने फ्लावर को डस्ट कर लिया है, ये मैदा ही है। और एक मिक्सिंग बाउल में हम सारी इंग्रेडिएंट्स को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अपने लेके मिक्स कर लेंगे, जैसे मैदा, कॉर्नफ्लावर और गार्लिक पाउडर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई पाउडर ही रहेगा ये, इसमें कोई पानी वगैरह कुछ नहीं जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसको सब कुछ मिक्स कर लिया है बिना किसी लम्स वगैरह के। यहाँ पे हम लोग एक स्टर दे देंगे अपने श्रिम्प्स को और इसको एक एक करके ना इसमें डिप करके, मिक्सर में कोट करके इसको अच्छे से हम लोग निकाल के रखते जाएंगे अपनी उस प्लेट पे। तो मैंने कैमरा के आगे तो इसको फोक से आपको दिखा दिया है, बाद में मैंने हाथ से कर लिया था ईजीली, क्योंकि टाइम भी कम था और भूख भी बहुत लग रही थी घर पे सबको, तो मुझे जल्दी जल्दी करना था। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया। आप देख रहे हैं मैंने कितना तेल लिया है, ये हाफ कढ़ाई तक का भी तेल नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि हमें सिर्फ शैलो फ्राई करना है श्रिम्प्स को, डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है वरना कोटिंग उतर जाएगी। और एक और चीज़ ये है कि अगर आप श्रिम्प या फिर प्रॉन्स वगैरह को बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करेंगे तो वो ओवर कुक हो जाएगा। जब ओवर कुक हो जाएंगे आपके प्रॉन्स या श्रिम्प्स तो वो रबरी और च्यूई बन जाएंगे, आपको खाने में बहुत मुश्किल होगी और बहुत ही बदमज़े से, बिल्कुल कोई टेस्ट के नहीं रहेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप तेल कम ले रहे हैं और शैलो फ्राई कर रहे हैं और अच्छे से इसको इस तरीके से टोंग से या फिर फोक से या फिर चम्मच, जो भी आपको कंफर्टेबल है उससे आप उसको अच्छे से पलटते जाइए। मेक श्योर कीजिए जब आप पलट रहे हों तो धीरे से आराम से कीजिए, वरना क्या होगा कि आपका जो ऊपर कोटिंग लगा हुआ है वो कोटिंग पूरा निकल जाएगा। तो जब कोटिंग निकल जाएगा तो आप श्रिम्प्स कड़क नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं होंगे, तो बिल्कुल ही टेस्टी नहीं रहेंगे। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है श्रिम्प्स पे, और ये स्टेज पर बन चुके हैं ऑलमोस्ट। तो मैंने इसको टर्न कर लिया है और बस थोड़ा सा मैं इसको पका लूँगी। आपको इसे फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे अगर आप करेंगे तो जो भी मिक्सचर ऊपर लगा हुआ है वो जल जाएगा, तो हमें उसको जलाना नहीं है। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर फ्राइंग योर श्रिम्प्स। तो यहाँ पे मैंने इन सारे श्रिम्प्स को निकाल लिया है एक पेपर टॉवल पे, सारा एक्सेस ऑयल इसका ड्रेन हो जाएगा। आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने आपके लिए एक बैच यहाँ पे एयर फ्रायर में बनाया है। यहाँ पे पहले मैंने एयर फ्रायर को थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, 5-10 मिनट्स के लिए। अब मैंने इसका जो ट्रे है इसको ग्रीस कर लिया है विथ कुकिंग ऑयल।
तो उसके बाद मैंने सेम उसी तरीके से बैटर में डिप करके श्रिम्प्स को इसके ऊपर रख दिया है और थोड़ा सा मैं इस पर ऑयल और स्प्रे कर रही हूँ। ऑयल स्प्रे करने की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि अगर हम चिकन वगैरह बनाते हैं एयर फ्रायर में तो उसका अपना फैट रिलीज होता है तो वो ड्राई नहीं होता, बट वेयर एज प्रॉन्स या श्रिम्प होते हैं तो इसमें कोई फैट अपना नहीं होता, तो ऊपर जो आटा है वो ड्राई ही रहता है। ड्राई एज इन पका हुआ होता है, क्रिस्पी होता है लेकिन दिखने में वाइट दिखता है, तो बस इसके लिए थोड़ा सा मॉइस्चर रहे तो मैंने इसके ऊपर तेल डाल दिया है। 5 मिनट्स के लिए मैं इसको रखूँगी, उतना काफ़ी होगा, आप चेक कर लीजिए, अगर नहीं बने हैं तो और 5 मिनट के लिए रख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं बैंग बैंग सॉस, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिससे सारा टेस्ट आपके श्रिम्प्स को मिलेगा। तो यहाँ पे एक बाउल में मैंने ले लिया है मेयोनीज और साथ में टमेटो केचप, ये है हॉट एंड सावर चिली सॉस। अगर आपके पास हॉट एंड स्वीट है, हॉट एंड सावर है या फिर हॉट चिली सॉस है, जो भी मर्जी है आप वो ले लीजिए। और साथ में इसमें जाएगी हनी, कि कोई भी सूरत में इसमें हनी जानी ही जानी है, तो कोई भी चिली सॉस हो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको और ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड करना चाहते हैं, मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो ये देखिए सारी चीज़ें मिलाकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जब ये सॉस रेडी होगी ना तो एक बहुत ही स्वीट टैंगी सावर सा एक मिक्सचर रेडी होगा जो बहुत ही यम रहता है। तो इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे अपने सारे श्रिम्प्स। आप अगर इसमें देख रहे हैं तो कुछ एक आध श्रिम्प्स इसमें थोड़ा सा वाइटिश है, वो वाले वही श्रिम्प्स है जो मैंने एयर फ्राई में बनाए थे। तो मैंने आपसे बोला था ना थोड़ा थोड़ा उस पर आटा दिखेगा आपको, तो वो इसी तरीके से ये बनते, बहुत कड़क है एयर फ्राई में, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं लेकिन दिखने में बस इसी तरह से बनते हैं। तो अगर इस तरीके से बनेंगे तो भी कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि इसको जाना तो सॉस में ही है। अच्छे से मैंने इसको कोट कर लिया, मेक श्योर कीजिए आप स्लोली इसको कोट करेंगे। यहाँ पे एक बाउल में मैंने ले लिया है कोल्सलो सैलड मिक्स। यूजुअली तो इसको लेट्यूस के पत्तों में सर्व किया जाता है, उसकी एक स्पेशल सी ग्लास होती है उसमें, पर मैंने यहाँ पर कोल्सलो मिक्स का ही यूज़ किया है, जो है वाइट कैबेज, नॉर्मल हमारी जो ग्रीन होती है वो, और पर्पल कैबेज और श्रेडेड कैरेट्स, इसमें मैंने ऐड कर दिया ये सारे श्रिम्प्स कोटेड जो हमारे बैंग बैंग सॉस में थे। साथ में मैंने ऐड कर लिया है फ्रेशली चॉप्ड स्प्रिंग अनियंस। ये देखिए क्या ज़बरदस्त रेडी हुई है हमारी डायनामाइट श्रिम्प्स। ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिए, आई एम 100% श्योर कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, यू विल लव इट। आप जिसको भी खिलाएंगे उनको भी बहुत बेहद पसंद आएगी ये चीज़, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपके साथ अगली वीडियोज़ में मिलूँगी और नए रेसिपीज़ के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।